अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये हरी मटर की चीनी का पुलाव, जो बिरेड टमाटर का बनाऊँगी। उसके अंदर हमने हरी मटर की चीनी, आलू, प्याज सब काट लिया है। हरी चीनी का जो हम पुलाव बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमको डालना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरी धनिया और नारियल। इसको मिक्सी में पीसना है। हरी चीनी के पुलाव में हमने एक कटोरी चावल लिया है। ये एक कटोरी में हमारा दो आदमी खा लेंगे। और उसके अंदर हमने एक तेज़पत्ता एक लिया है, दो तीन लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च, छोटी इलायची, ये है छोटी इलायची। ये प्याज को ऐसे लाल करके हमने निकाल लिया है और आलू को हम तल रहे हैं। ये आलू को अब तल लेंगे। अब हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है, हरी मटर की चीनी देखिए डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा भून लेंगे तो इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। हरी हरी भी रहेगी, पुलाव में दिखेगी और अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। ये मटर जब उन्हें पट से बोले तो समझ जाइए कि मटर भी भून गई है। अच्छा, ये जो है ना तेल है और इसमें थोड़ा सा अब हम घी डालेंगे, क्योंकि चावल बना रहे हैं ना। देखिए ये घी डाल दिए हैं, असली घी है। अब इसको डाल दिए है। अब इसमें जो है ना गरम मसाला हमने जो आपको बताया था ये डाल देंगे। हाँ, ये गरम मसाला हमने डाल दिया है। थोड़े से इसको भून लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने चटनी पीसा था, नारियल, लहसुन, अदरक और हरी धनिया, इसको यही गरम मसाले में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। ज़्यादा चटनी नहीं भूनना है, नहीं तो वो उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा अगर ज़्यादा पका देंगे। देखिए पूरे तौर से ये खाली पक जाए ना, बस उसमें हम अब चावल डाल देंगे। ये हमने चावल हमने डाल दिया है और इसमें जितना पानी है, आप लोग चावल पकाते हैं उतना ही पानी डाल दीजिए। तो मैं कैरेट को ना, मेरा चावल बॉईल होने लगा है, उसके अंदर ना घस के नहीं डालना है, उसको ऐसे छोटे छोटे एकदम बारीक पीस काट के डालना है। कोई चीज़ में घस के डाली जाती है, कोई चीज़ में काट के डाली जाती है, तो स्वाद भी ना कटिंग पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये गाजर को ना हमने, ये कैरेट को देखिए इसमें डाल दिया है, इसलिए डाला है कि ये ना थोड़ा गल जाए। और मटर जो है ना हमने तो पहले से तल के रखा है, उसको भी बाद में डालेंगे। चावल में थोड़ा इसको पकने देंगे गाजर को, फिर हम मटर और आलू डालेंगे। ये देखिए अभी गाजर को डाले, इस पर ढक्कन लगा देते हैं, धीमी आंच पर है। अभी इसको हमने कुछ देर के लिए गाजर को हमने पका लिया है। अब ये जो हम मटर और उसको तले हैं ना, अब इसको इसमें डाल देंगे ताकि हमारा बटाटा आलू जो है ना अच्छी तरह से वो भी गल जाए। अभी दम पे रहेगी ना, तो जब तक के ये दम गल से मिक्स कर दीजिए ताकि चावल में ये आराम से दो लोग ना पेट भर के खा सकते हैं। देखिए इतना माशाल्लाह जो है ना तय हो गया तैयार। अब थाली में परोसेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ दो लोग आराम से खा लेंगे। एक कटोरी चावल है और छिला हुआ दाना पाव किलो होना चाहिए और एक ना आलू है। अब इसको हम धीमी आंच पे रखे हैं। अब ये जो इसमें आलू जो है ना अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब इस ढक्कन को लगा देंगे। देखिए ये पिच पक रहा है ना, यानी कि इसमें पानी है, देखिए दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसको ढक्कन लगा दिया। जो प्याज को मैंने तली थी ऊपर, इस पर चावल पर सजा दी हूँ। अब ये हरी मटर पुलाव तैयार है। ये देखिए हमारा मटर पुलाव रेडी है।